अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फेबुलस फूड। आज मैंने सीख कबाब बनाए हैं जो बहुत ही टेस्टी बने हैं। एज अ स्टार्टर आप अपने दावतों में इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है और उसकी छोटी पीसेस कर ली हैं। इसे हमें पीसना नहीं है, इसे हमें सिर्फ चॉप करना है। उसके लिए एक तरीका होता है मिक्सर चलाने का, एक एक सेकंड पे ऑन ऑफ करते रहना चाहिए 2-3 बार। उससे हमारा कीमा जो है वो अच्छे से चॉप हो जाएगा। इस तरह से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बस ऐसे करना है। और ये देखिए, आप 3 से 4 बार या 5 बार भी कर सकते हैं एक एक सेकंड पर। और ये देखिए, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होने चाहिए इसमें, क्योंकि चिकन बहुत सॉफ्ट होता है, मटन जैसा इसका नहीं होता है। ये इतना कम किया मैंने, फिर भी ये थोड़ा थोड़ा सा पिस ही गया है, लेकिन फिर भी हमें जैसा चाहिए था वैसा ही है। अब इसमें मैं 1.5 यानी 1.5 चम्मच छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच जीरे का पाउडर, 1 चम्मच क्रश्ड कुटी धनिया इस तरह से जैसे मैंने दिखा रही हूँ आपको, और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक। ये इसको सब इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, धनिया बारीक कटी हुई और 1 मिर्च बारीक कटी हुई, उसको सबको मैं इसमें ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 3 टीस्पून बेसन को मैं पिंक होने तक रोस्ट कर लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और 1 घंटा हो गया है अब, और इस कीमे को थोड़ा सा स्मोक देना है मुझे। मैंने फ्लेम पर एक कोयला रख दिया है जो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इस पर 1 चम्मच मैं ऑयल डाल दूँगी और जितना भी धुआं निकलेगा उससे ही हमारा अच्छे से स्मोक हो जाएगा। इसे कपड़े से ढक दूंगी ताकि धुआं बाहर ना आए। और अब यहाँ पर चटनी रेडी कर लेती हूँ। 2 हरी मिर्च है, थोड़ा 1 टमाटर है और थोड़ी सी धनिया है, 1 टीस्पून लेमन जूस है और 1 पिंच नमक है। इसे मैं पीस लूँगी। ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है और हमारा कीमा अच्छे से स्मोक हो गया है। अब मैं इसमें रोस्ट किया हुआ बेसन इसमें ऐड करूंगी और बटर डालना है हमें इसमें। बटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फैट होना बहुत ज़रूरी होता है सीख कबाब में, तो मैं उसके लिए इसमें बटर ऐड करूंगी। नॉर्मली जब भी सीख कबाब बनता है, मटन का बनाया जाता है, तो मटन के ही फैट को उसमें यूज़ किया जाता है 20%, पर चिकन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो हमें इसमें बटर यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। फैट इसलिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि फैट जहाँ पर भी रहेगा वहाँ के गोश्त को वो कुक करता है, जब उसमें हीट पहुँचती है, मेल्ट होता है, तो आसपास के अपने गोश्त को वो कुक करने लगता है। ज़्यादातर कोयले पर ही बनाया जाता है सीख कबाब। और अब यहाँ पर मैं स्क्यूअर्स ले लूँगी, बैम्बू स्क्यूअर्स है। मैंने एक घंटे के लिए इसको सोक कर दिया था, इसको भिगा दिया था पानी में, और अब हाथों में पानी लगा कर हमें सीख कबाब को शेप देना है। मैंने 2 स्कीवर्स इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें थोड़ा सा मोटा चाहिए होगा अंदर के लिए। ये देखिए हमारे सीख कबाब रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हमें सारे बना लेने हैं। ये देखिए जहाँ भी हमारा बटर है, जिस जगह पर भी बटर रहेगा, ज़्यादातर हर जगह मिक्स हो गया है, और जब हम उसे सेकेंगे कोयले पर या तो फिर तलेंगे तो वो मेल्ट होकर अपने गोश्त को पकाने लगता है, वो इसलिए ये कच्चे नहीं रहते हैं। ये देखिए हमारे सीख कबाब रेडी हो गए हैं। इसी तरह और भी बना लेने हैं। और अब 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है एक नॉनस्टिक तवे पर, और इस तरह से इसको हमें तलना है, शैलो फ्राई करना है और चारों तरफ से घुमा कर इसको अच्छी तरह से सेक लेना है, कहीं भी कच्चा ना रहे। और ये हमारे सीख कबाब रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं इसको टेस्ट करने के लिए।
टिश्यू पेपर के जरिए आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए काफी कुरकुरा और क्रंची बना है ये, अंदर से भी ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया है। ये देखिए, आपने मटन सीख कबाब तो बहुत खाए होंगे, पर एक बार इस चिकन सीख कबाब को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका अपना अलग ही जायका होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।